हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ सेवेंथ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो गाइज आधे तारीख सात जून दो हज़ार तेईस और है वेडनेसडे आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे ये वीडियो यू पी एस सी और स्टेट पी एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलो शुभ आरम्भ करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम पाँच बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी डाउन टू अर्थ अलाइनमेंट सभी के न्यूज आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मिस मत करना अगर आप उसको मिस करते हो तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक करने वाले हो क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपको एक टेस्ट दिया जाता है उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा बाकी इस लेक्चर का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो वहाँ पर जाकर फिर से लिखना है दीपा यादव एजुकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर बारह से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं आप वहाँ पर मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो आज का थंबनेल वाला जो आर्टिकल है पहले हम वो डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर थ्री साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो बात की जा रही है 2023 ट्वेंटी थ्री के बारे में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि ये टर्म न्यूज़ में थी ये क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है आपने थमनेल में देखा कि पृथ्वी का एक दूसरा चांद पाया गया है यानी अभी पृथ्वी के पास में एक एक ही चांद है केवल अब क्या दूसरा चांद वाकई में मिला है देखो वाकई में अगर हम लोग बात करें तो वो वाकई में दूसरा चांद जो है चांद नहीं है एग्जैक्टली exactly. ठीक है वो एक क्वासी मून है अब यह क्वासी मून मतलब आधा चांद कह सकते हो या फेक मून कह सकते हो फेक है वो तो क्या है मामला पूरा समझते हैं देखो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने हाल ही में ना एक क्वासी मून को डिस्कवर किया आधे चांद को डिस्कवर किया है नाम क्या दिया है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एफ डब्ल्यू थर्टीन और ये चांद क्या कर रहा है हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है देखो अर्थ को तो ऑर्बिट कर रहा है लेकिन एक्चुअली में वो जो चांद है वो सन के प्रति ग्रेविटेशनली बाउंडेड है यानी कि सन की ग्रेविटेशन के प्रति ज़्यादा एट्रैक्टिड है क्योंकि सोलर सिस्टम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सबको पता होगा जितने भी प्लानिट्स हैं जितने भी ग्रह हैं वो हमारे सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सन के इर्द गिर्द यहाँ पे वो सारे के सारे प्लानट्स घूमते हुए नज़र आ रहे हैं सभी को पता है तो ये जो बेसिकली यहाँ पर क्वासी मून पाया गया है ना ये अर्थ के आसपास ऑर्बिट तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली में वो भी सन के आसपास ही घूम रहा है उसकी जो ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन है वो सन के प्रति है सिंपल क्लियर हो गया अब सवाल यह है कि सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि 2023 ट्वेंटी थ्री है क्या एक्जैक्टली ये प्रकार का एक एस्टेरॉयड है एस्टेरॉयड जैसे हमारे अंतरिक्ष में कई सारे रॉकी पार्टिकल्स हैं है ना चट्टाने हैं तो उस प्रकार का आप एस्टोराइड कह सकते हो जिसको क्वासी सैटेलाइट या क्वासी मून का जो टैग है वो दिया गया है कि बेसिकली यहाँ पर ये क्वासी मून है और इस प्रकार के कई सारे क्वासी मूनस और जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में हैं कई सारे सैटेलाइट्स के बारे में पता हुआ है सवाल यह है इसका पता कैसे चला तो हमारे पास में एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है पैन स्टार्स टेलीस्कोप ये टेलीस्कोप हवाई में लगा हुआ है हवाई के यहाँ पर एक वॉल्केन है वहाँ पर आप देख पाओगे ये टेलीस्कोप लगा हुआ है इस टेलीस्कोप से यहाँ पर अंतरिक्ष में इस मून को खोजा गया है क्वासी मून को बोला यह जा रहा है कि ये जो क्वासी मून है ना जो फेक वाला जो मून है ये हमारी पृथ्वी के साथ में लगभग हंड्रेड बी से है अभी तक और आने वाले समय में पंद्रह साल तक और ज़्यादा रहने वाला है ये बात भी मैंशन की जा रही है अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर सुनो जो ये नया नया एस्टोराइड मिला है 2023 ट्वेंटी थ्री एफ डब्लू थर्टीन आपसे पूछ सकता है ये क्या है तो आप बता देना देखो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है क्या ये एस्टोरायड है हाँ क्या ये क्वासीमुन है हाँ ठीक है या क्या ये क्वासी सैटेलाइट है हाँ क्लियर हो गया तो ये जो एस्ट्रॉयड 2023 ट्वेंटी एफ डब्ल्यू थर्टीन है ना ये एक नया प्रकार का एस्टोराइट जो हमें मिला है जो कि बेसिकली सन के साथ में सन को सर्किल कर रहा है लेकिन पृथ्वी के साथ मिलकर क्योंकि आपको पता ही बता ही चुका हूँ सन के इर्द गिर्द सारे प्लानिट्स घूम रहे हैं ठीक है तो ये जो चंद्रमा है जो मिला है यह भी यहाँ पे सन के इर्द गिर्द घूम रहा है इसका जो साइज है इसका जो डायमीटर है वो दस से लेकर बीस मीटर के आसपास है ठीक है ये ग्रेविटेशनली अर्थ के प्रति बाउंडेड नहीं है ठीक है अर्थ के ग्रेविटेशन से अट्रैक्टेड नहीं है यह सन के ग्रेविटेशन से अट्रैक्टेड है यह आपने ध्यान में रखना है पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है उसके बाद ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर में घूम रहा है अब क्वासी मून्स होते क्या हैं क्वासी मून्स बेसिकली क्वासी सेटेलाइट्स होती हैं जो कि हमारे प्लानट को ऑर्बिट कर रही होती हैं जैसे कोई नेचुरल सेटेलाइट या मून होता है जैसे पृथ्वी के पास में अभी तक एक ही चंद्रमा है वो मेन चंद्रमा है वो अभी भी एक ही है मेन ही है वो ये जो क्वासी है ये कहीं कही ना कहीं रियल नहीं है कह सकते हो आधा चंद्रमा है ठीक है ये आपने ध्यान में रखना है तो एक प्रकार की ये स्पेस के अंदर जो चट्टाने हैं उसे कह सकते हो वो चट्टाने हमारे अर्थ को सर्किल कर रही हैं लेकिन वो सन के प्रति जब ग्रेविटेशनली बाउंडेड होती हैं तो वो क्वासी मून कहलाती हैं समझ गए इस बात को क्वेश्चन बन सकता है ध्यान रखना आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है बेरेंट्स सी के बारे में अब ये समुद्र काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इसके बारे में जान लो हुआ क्या है जो हमारे जियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने हाल ही में एक ऐसा ज्वालामुखी पाया है कि वैसा ज्वालामुखी कभी देखा ही नहीं गया और वो जो ज्वालामुखी कहाँ पर देखने को मिला है बैरेंट्स सी में ठीक है ये जो समुद्र आपको दिख रहा है ना अभी मैं मैप को मैप में दिखाऊंगा तो इस समुद्र के अंदर वो ज्वालामुखी है जो कि इरप्ट भी हो रहा है उसमें से मर्ड फ्लूड गैस ये सारी चीजें निकल रही हैं बहुत ज्यादा अंदर है वो ठीक है अब ये बेरेंट सी का लोकेशन इस वजह से यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है क्योंकि एक कारण की वजह से न्यूज़ में और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कई सारी रिवर को लेकर सी को लेकर जगह को लेकर सवाल बन रहे हैं भर भर के बन रहे हैं ठीक है तो बेरिंडसी की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा समुद्र आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशन में अब ये वाला मैप देखो ये एक वर्ल्ड मैप है इसमें आर्कटिक ओशन कहाँ पर है सरियरा ऊपर आर्कटिक ओशन आर्कटिक ओशन में बेरिंडसी कहाँ पर है मैंने बोला ना छोटा सा ये आपको यहाँ पर मार्जिनल सा सी देखने को मिल जाएगा छोटा सा ये रहा सी इसको जूम करके देखें तो बेरिंडसी के आसपास बहुत कुछ है जूम करके देखें तो ये बहुत बड़े साइज़ का है इधर आपको यहाँ पे नॉर्वे देखने को मिलेगा उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है अलग अलग यहाँ पे जैसे कारासी देखने को मिल जाएगा इधर यहाँ पे नीचे आ, कोल के वाइलैंड देखने को मिल जाएंगे है ना इधर नारविजियन सी देखने को मिल जाएगा नीचे नॉर्वे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो ये आपने ध्यान में रखना है अब हुआ क्या है एग्जैक्टली ये ना आर्टिक ओशन के अंदर एक छोटा सा समुद्र का हिस्सा मैंने आपको बता दिया नॉर्वे रशिया नॉर्वेजियन और रशियन टेरिटोरियल वाटर्स के इर्द गिर्द है जैसा अभी हमने देखा यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे ये नोविया जेम्बलिया ये रशिया की टेरिटरी है इधर यहाँ पे देख पाओगे नॉर्वे की टेरिटरी है तो नॉर्वे और रशिया की टेरिटरी के आसपास यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको बेरिंट्स सी देखने को मिल जाता है सिंपल हो गया जो इसका नाम है ना सी ये किस बेसिस पर पढ़ा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन डे एग्जामिनेशन के लिए वन डे एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरेंट सी का नाम किसके ऊपर पड़ा है तो एक हिस्टोरिकल डच नेविगेटर है नाम उनका है विलियम बेरेंट्स तो विलियम बेरेंट्स के नाम के ऊपर मैं यहाँ पर इस समुद्र का नाम रखा है बेरेंट्स सी इसकी बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो सॉलबर्ड आर की प्लेगो सॉवालबर्ड आर मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का पूरा का पूरा ग्रुप तो सोलबर्ड यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उसके अलावा यहाँ पे और क्या बताया गया है नीचे कुछ आपको नोवाया जेम्लिया आर की देखने को मिल जाएगा जो कि रशियन टेरिटरी है नॉर्वेजियन सी है ग्रीनलैंड सी है और कोला पेनन्सुला है अब ये कहाँ कहाँ है अब फटाफट देखते हैं सोलवर्ड आइलैंड्स ये आपको आर्किप्लेजिकोस पता चल गए उसके अलावा ये रशिया वाले आइलैंड्स के बारे में पता चल गया नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आ, कोला पेनन्सुला ये आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है रशियन टेरिटरी में है है ना और क्या था ग्रीनलैंड सी तो ग्रीनलैंड सी यहाँ पर आपको बराबर में देखने को मिल जाएगा और ये रहा नॉर्विजन सी सब यहाँ पे बेरेंट सी के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और नीचे जस्ट व्हाइट सी भी है व्हाइट सी कहाँ पर है तो बेरेंट सी के जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पर कानिन पेनसुला जाए पड़ेगा इस कानिन पेनसुला के आपको देखना होगा लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको ये वाइट सी नज़र आएगा ठीक है आगे आते हैं तो ये था मामला अब इस बेरिंड सी के कुछ फीचर्स हैं काफ़ी गहरा पानी देखने को मिलेगा 230 थर्टी मीटर्स की डेप्थ है और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है सबसे गहराई जो है वो 600 हंड्रेड मीटर्स के आसपास की गहराई यहाँ पर देखने को मिल जाती है बेरिंड सी के अंदर में और जो सेलिनिटी यानी खारापन है वो खारापन खारापन भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर नज़र आएगा ठीक है तो खारापन यानी कि नमकीन जो है पानी में काफ़ी ज़्यादा प्रजेंट है मैं नमकीन पानी है ठीक है ऑब्वियसली बात है समुद्र का पानी नमकीन होगा उसके अलावा यहाँ पे यह पूरा सिंक जो पूरा सी है काफ़ी गहरा है और शैलो बैंक एरियाज से यहाँ पर आपको डिवाइडेड भी देखने को मिल जाता है छोटी छोटी चीज़ें आपने केवल लोकेशन ध्यान रखनी है लोकेशन आपसे पूछी जाएगी अगले आर्टिकल पर आएंगे दोस्तों अगले आर्टिकल पर आने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना दो लाइक्स का टारगेट है फटाफट उसको अचीव करवा दो यहाँ भी बात की जा रही है इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में तो ये क्या है ये जो इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी टीम है ना ये पूरी टीम है इसकी ये हाल ही में कहाँ भी पहुँचना है टोक्यो के अंदर यानी जापान में क्या करने के लिए देखो जापान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है फुकूशीमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे एक डिज़ास्टर हो गया और डिज़ास्टर हुआ था उसके बाद जो न्यूक्लियर वाटर है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वाटर यानी एक ऐसा पानी जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वाटर मतलब उसको उसमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी यानी इंसान के लिए बहुत घातक है इंसान के लिए कहीं ना कहीं वो मौत है वो पानी तो बहुत सारा पानी अभी भी जमा है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के अंदर में एक डिज़ास्टर के बाद तो वो जो पानी है ना उसको समुद्र के अंदर छोड़ने के लिए यहाँ पर डिसाइड किया है जापान ने तो मैसिव अमाउंट में यहाँ पर ये जो पानी है रेडियो एक्टिव वाटर वो इस प्लांट से निकाला जाएगा छोड़ा जाएगा तो छोड़ने से पहले यहाँ पर एक पूरी टेस्टिंग करने के लिए फाइनल रिव्यू करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो टीम है वो हाल ही में टोक्यो पहुँच चुकी है इस वजह से यहाँ पर ये टीम जो है वो न्यूज़ में बनी हुई है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी क्या है तो ये दुनिया में जाना जाने वाली कह सकते हो दुनिया की एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट नाम से यहाँ पर इसको जानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर में ही आता है इसका मेन काम क्या है कि जो एटॉमिक एनर्जी हमारी खासकर न्यूक्लियर एनर्जी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना ये इसका मेन काम आपको देखने को मिल जाएगा यह बॉडी काम करती है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी जो काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती है इसका सेफ़ सिक्योर और पीसफुल तरीके से यहाँ पर इसको रखा जा सके शांतिपूर्वक उसको मेंटेन किया जा सके क्योंकि तो वो अपने आप में डिजास्टर है आपको बताऊगा हीरोशीमा नागा वहाँ पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे जिसका असर आज तक है ठीक है तो ये बॉडी उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है इतिहास की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको बनाया यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अपने हिसाब से डिसीजन लेती है यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें कई इसका जो हेड क्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के अंदर है ध्यान रखना वीना में ऑस्ट्रिया के अंदर वीना है वहाँ पर इसका हेडक्वाटर देखने को मिलेगा ये एजेंसी अपने बाकी सारे मेंबर स्टेट के साथ में काम करती है ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसको सेफ सिक्योर और पीसफुल तरीके से यहाँ पर कैसे यूज़ किया जा सके उसको प्रमोट कर सके उसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेन काम यह भी है कि जो नॉ न्यूक्लियर नॉन नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी है ना इसको यहाँ पर इस एग्रीमेंट को मेंटेन करके चलना अब ये नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी क्या है आपको यही पता होना चाहिए एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो कि 1968 में साइन किया गया था बड़े बड़े देशों के साइड से बहुत सारे देश जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कई सारे ऐसे देश जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं तो न्यूक्लियर कंट्रीज़ और नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ सब ने मिलकर यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है ये 1968 में साइन कर लिया था जिसका नाम है नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी अब होता क्या है यहाँ पर इसमें एक यानी कि 191 स्टेट आज के समय पर पार्टीज यानी 191 नाइन्टी यहाँ पर कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं जिनका मेन काम क्या है न्यूक्लियर वेपन्स को नॉन प्रोलीफरेट करना नॉन प्रोलीफरेट मतलब इसका फैलावा ना करना इसको बाकी स्प्रेड होने से रोकना इसका यूज़ पीसफुल तरीके से हो सके नाउ नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी के अंडर में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या आता है जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज़ है ना ये वादा करती हैं कि हम मतलब जिनके पास में वैसे कोई हथियार नहीं है न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके पास में तो वो कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे और जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यहाँ पे कभी दूसरे देश को बढ़ावा नहीं देंगे उनकी मदद नहीं करेंगे एक न्यूक्लियर वेपन को बनाने में तो ये बेसिकली इससे क्या होगा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसको इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके इसको इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि जितने ज़्यादा कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उतना ज़्यादा खतरे होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाएंगे रीज़न क्या है मान लो दो कंट्रीज़ हैं आपस में दुश्मनी है कोई विवाद हो गया है अब आपस में भिड़ गए हैं और वहीं पर न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट हो चुके हैं तो वो पूरे दुनिया के लिए खतरा है समझ गए इस बात को तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यह नॉन प्रोलीफ्रेशन जो ट्रीटी है वो ये साइन करी गई थी नाइनटीन के अंदर में अब होता है क्या है कि पांच नॉन न्यूक्लियर स्टेट पार्टीज़ यहां पर सॉरी पांच न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज़ भी इस ट्रीटी में हैं यानी पांच ऐसे देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है वो भी यहां पर इसका हिस्सा है इस का अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया वो ऐसे भी कई सारे देश हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल इसराइल इंडिया ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया भी यहाँ पर एक ऐसा देश है जिसने यहाँ पर इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है तो इज़राइल इंडिया पाकिस्तान ने अभी तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है और नॉर्थ कोरिया तो उस ट्रिटी से बाहर ही निकल गया था दो में कि भाई यहाँ से हमारा काम ही ख़त्म नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं अगले आर्टिकल बात की जा रही है इस्टोल पर्स्टीन के बारे में अब ये स्टोल पर्स्टीन क्या है जैसा यहाँ यहाँ पे देख पा रहे हो ना एक जो प्लेट होती है उस प्रकार की प्लेट दिख रही होगी एक व्यक्ति का नाम लिखा है है ना तो उसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है कि इस प्रकार की एक जो प्लेट है ये मिली है और ये किसकी है नाजी प्रोजीक्यूशन के एक विक्टिम की ठीक है अब ये क्या है जो नाजी प्रोजिक्यूशन हुआ था काफ़ी सारे जो जीव हैं यहूदी हैं उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ था है ना जुल्म हुआ था बेसिकली उससे जो पीड़ित लोग थे जो विक्टिम थे उनकी प्लेटें हैं ये तो उसमें से यहाँ पर एक जो प्लेट है वो अभी कहीं ना कहीं वन लैख वाली नंबर की प्लेट बन चुकी है मतलब टोटल एक लाख इस प्रकार की जो प्लेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं जो प्लेट क्या दर्शाती है नाजी प्रज्यूशन के विक्टिम को जो अत्याचार हुआ था नाजी के थ्रू है ना तो उस अत्याचार को दर्शाती है कि भाई जो पीड़ित लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार किया गया था जिसमें ज्यूज भी थे और भी कई सारी कम्युनिटीज़ थी है ना तो उनके नाम वगैरह यहाँ पर इस प्लेट पर देखने को मिल जाते हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है स्टोल पस्टीन जो यहाँ पर स्टोल पस्टीन है ये छोटा सा आपको ब्रास मेमोरियल देखने को मिलेगा मेमोरियल मतलब जिसको हम लोग याद कर सकें ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर इसको बनाया जाता है उसको याद करने के लिए तो छोटा सा ब्रास का आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कि यूरोप में देखने को मिलेगा और ये किस चीज़ के लिए जो नाजी प्रोसिक्यूशन के अंदर में जो विक्टिम्स थे जो पीड़ित लोग थे उनको सपोर्ट करने के लिए उनको याद रखने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था ठीक है उस प्रकार की जो ये प्लेट है का जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया था एक जर्मन आर्टिस्ट थे जिनका नाम था गुन्तेर देमिक तो 1992 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और अभी तक यहाँ पर टोटल इस प्रकार की एक लाख जो प्लेट्स हैं वो बनाई जा चुकी हैं ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं बेसिकली छोटे छोटे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमें बार बार उन अत्याचारों के बारे में बताते हैं जो कि होलो के दौरान हुआ था होलो आपने पढ़ा होगा होलो में जब यहाँ पर अत्याचार हुआ था भरपूर मात्रा में यहाँ पर पे नाजी पेजुकेशन देखने को मिला बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मारा गया ठीक है तो वो जो लोग मरे थे जो पीड़ित थे उन्हीं को लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टॉलपस्टीन बनाया गया है ये स्टॉलपस्टीन बेसिकली एक जर्मन वर्ड है इसका मतलब होता है स्टम्बलिंग स्टोन ठीक है स्टबलिंग स्टोन यहाँ पर इसका मतलब होता है ध्यान रखना आगे आते हैं अब जो पहला इस प्रकार का जो स्टोन है वो बनाया गया था 16 दिसंबर 1992 में ये वो समय था जब उस समय पर लगभग कह सकते हो कि 50 साल हो चुके थे 50 साल किस चीज़ को लेकर हो चुके थे जब कि ज्यूश पीपल और साथ ही साथ में जो रोमा पीपल है उनको जर्मनी से भरपूर मात्रा में निकाल दिया गया था ज्यूश पीपल रोमा पीपल को जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था नाजी आर्मी के थ्रू ठीक है हिटलर के थ्रू अब तो बेसिकली यहाँ पे उस समय पर 1992 में 50 साल हो चुके थे इनको बाहर निकले हुए ठीक है और उसी समय पर क्या होता है पहला जो स्टॉपस्टीन है वो यहाँ पर बनाया जाता है और जो ये ब्रास की जो ये प्लेट्स हैं ये किस चीज़ को याद करती है मैंने आपको बताया कि, कि किस प्रकार से नाजीज़ के थ्रू यहाँ पर अत्याचार किया गया था किस प्रकार से यहाँ पर जो ये ज्यूस पीपल हैं रोमा पीपल हैं इनको निकाला गया जर्मनी से मर्डर किया गया इवन यहाँ पर कई सारे लोगों को बेसिकली इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेमोरी के तौर पर इन चीज़ों को याद रखा जा सके इस चीज़ के बेसिस पर जितने भी विक्टिम्स थे उनको सम्मान देने के लिए उसमें जुइश भी हैं सिंथी भी हैं रोमा भी हैं डिसेबल हैं डिसडेंट हैं एफ्रो जर्मन पीपल हैं ऐसे कई सारे और भी लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनको निकाला गया था उनकी थोड़ी उनको याद कर सकें उनको सपोर्ट कर सकें उनको सम्मान दे सकें इस बेसिस पर यहाँ पर जो ये प्लेट्स हैं वो बनाई जाती हैं ठीक है तो एक हर एक एक पत्थर होता है एक स्टोन होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है और उसमें यहाँ पर जो विक्टिम था है ना जिसके साथ में अत्याचार हुआ था उसका डेट ऑफ बर्थ नाम है ना सुसाइड किया है या उसको निकाला गया है। इस प्रकार की जो चीज़ें वो जो है मर्डर किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर में लिखी जाती हैं और कह सकते हो ये अभी तक का सबसे बड़ा इस प्रकार की कोई यादगार चीज़ बनाई गई है एक होलोकॉस्ट मेमोरियल है हमारे दुनिया का सबसे बड़ा आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर यह आर्टिकल थोड़ा सा आधा ही है मतलब एक ही पेज है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आगे बढ़ेंगे पहले इसके अलावा यह वाला जो आर्टिकल है हमारा जीएस पेपर नंबर थ्री एनवामेंट वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है यहाँ पे कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन किया है तो हुआ क्या है कि हाल ही में एक इंडियन माउस डियर या फिर कह सकते हो कि एक शेवरेटेन तो जो ये शेवरो है ये रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिला है कांगेर वैली नेशनल पार्क में बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है लेकिन देखने को मिला वो यह है माउस डियर चूहे की तरह यहाँ पर एक हिरण है ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह देखने को मिला है इस वजह से कंगेर वाले नेशनल पार्क चर्चा में क्योंकि इसी नेशनल पार्क में वो स्पॉट किया गया अब जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में अब छत्तीसगढ़ कहाँ पर है तो ये आपको देखेगा छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर अब उसके अलावा कई सारे स्टेट्स जो कि छत्तीसगढ़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं जैसे महाराष्ट्र तेलंगाना उसके बाद आंध्र प्रदेश उड़ीसा झारखंड उत्तर प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश कई सारे स्टेट्स हैं जो कि अपने बाउंड्रीज़ को छत्तीसगढ़ के साथ में शेयर करते हुए नज़र आते हैं अब उसके अलावा बोला जा रहा है कंगेर, कंगेर वैली नेशनल पार्क जो है इसका नाम कैसे पड़ा है तो एक कंगेर नाम की नदी यहाँ से बहती है उसी के ऊपर जो है इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था नाइनटीन में यहाँ का मतलब आप टोपोग्राफी देखोगे कैसे प्लेट्यूज़ हैं स्लोप कैसे हैं वैली कैसे हैं वो चीज़ें यहाँ पर इतनी काम की होती नहीं हैं दूसरी चीज़ यहाँ पे कई सारी आपको केव्स कई सारी गुफाएं देखने को मिल जाएंगी काफ़ी फेमस गुफाएं हैं कुतुब कैलाश दंडक है ना और कई सारी गुफाएं ऐसी हैं जो कि स्टेलेगमाइट्स हैं और स्टेलेक्टाइट्स हैं अब ये स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट क्या होता है ये एक जोग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा एक गुफा ऐसी होती है जिसमें जो ऊपर से जो पॉइंटेड एंड्स आपको दिख रहे हैं ऐसे नुकीले जो एंड दिख रहे हैं है ना को हम लोग बोलते हैं स्टेलेक्टाइट और नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे से भी यहाँ पर ये पॉइंटेड एंड्स यहाँ नुकीले जो पॉइंट्स है वो दिख रहे होंगे नीचे से ज़मीन से बाहर निकलते हुए ऊपर ये छत से बाहर निकल रहे हैं और नीचे ज़मीन से बाहर निकल निकलना है ऊपर से जो निकलते हैं उसको स्टेलेक्टाइट्स बोलते हैं नीचे से जो निकल रहे होते हैं उसको हम स्टेलेक्माइट्स बोलते हैं इस प्रकार की जो गुफाएं हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं ठीक है तो स्टेलेक्माइट स्टैलेक्टाइट क्या होता है आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी ठीक है स्टेलिक्राइट क्या होता है ये हमारे ऊपर छत से निकल रहे होते हैं नुकेले पॉइंट गुफा के अंदर में और स्टेलिकमाइट यहाँ पर नीचे से निकल रहे होते हैं जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आगे आते हैं अब उसके बाद इस प्रकार की गुफाएं भी यहाँ पर हैं उसके अलावा जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है वो भी कंगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर ही स्थित है उसके अलावा कई सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी फिर कई सारे जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी माउस डियर यहाँ पे पाया जाता है अभी माउस डियर काफ़ी दिनों बाद मतलब बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है ये यह यहाँ पर देखने को मिला इस वजह से न्यूज़ में है तो थोड़ा सा माउस डियर के बारे में बात करेंगे या फिर इसको हम शेब्रोटेन के नाम से भी जानते हैं ये बहुत छोटे साइज का हिरण होता है जो कि नॉक्टर्नल होता है यानी कि रात में एक्टिव रहने का काम करता है इसका नाम क्या है इसका नाम है मोशियोला इंडिका ये साइंटिफिक नेम है इसका ठीक है कहाँ का भी पाया जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया में खासकर पेनन्सुलर इंडियन में यानी कि जो हमारा सदर्न इंडिया है खासकर वहाँ पर उसके अलावा नेपाल में भी यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ इसकी देखने को मिली हैं श्रीलंका में भी यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ देखने को मिली हैं इंडिया में उड़ीसा में वेस्टर्न घाट्स में खासकर आपको ये वाला जो डियर है वो देखने को मिल जाएगा ये डियर थोड़ा छोटे साइज़ का होता है पच्चीस से तीस सेंटीमीटर का है ना और इसका जो वज़न है ज़्यादा खोता नहीं है दो से चार किलोग्राम बस दो से चार किलोग्राम का वज़न होता है एक जो यूनिक फ़ीचर है ना इन डियर्स का वो ये है कि इनका जो स्टमक जो पेट होता है वो तीन चैम्बर वाला होता है अब ये क्या मतलब है देखो ज़्यादातर एनिमल्स के चार चैंबर वाला फोर चैंबर वाला जैसे काउ का स्टमक आप देखोगे तो उसमें चार चैंबर हैं लेकिन चिकन स्टमक देखोगे तो उसमें तीन चैंबर है काउ का स्टमक देखोगे तो चार चैंबर जैसे यहाँ पर ये सेकेंड चैंबर है ये फर्स्ट चैंबर है उसके अलावा यहाँ पर ये थर्ड चैंबर है ये फोर्थ चैंबर है वैसे यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये खासकर ये माउस डियर होता है इसके बॉडी में तीन चैम्बर होते हैं ये आपने ध्यान में रखना है थ्री चैंबर्स उसके अलावा जो इसका मेन काम है खाने का ये छोटे मोटे कीड़े वगैरह भी खाने का काम करता है और पेड़ पत्तों भी खाता है उसके अलावा कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करेंगे तो आई में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का टैग दे रखा है यानी कि अच्छी खासी जो मात्रा है वो इसकी आज के समय पर अवेलेबल देखने को मिल जाती है तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है चूहे की तरह इस वजह से इसको माउस टीयर का नाम दिया गया है नेक्स्ट आर्टिकल में पुराना किला के बारे में डिस्कशन किया गया है जीएस पेपर नंबर वन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ़ व्यू से आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ़ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हो तो हुआ क्या है हाल ही में यहाँ पर एक एक्सकविशन खुदाई की गई है दिल्ली का जो पुराना किला है वहाँ पर और कुछ एविडेंस देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं वो जो एविडेंस हैं वो प्री मॉरन एराज से बिलोंग करते हुए हैं ठीक है प्री मॉरन एरा बिलोंग कर रहे हैं इस वजह से जो पुराना किला है वो न्यूज़ में बना हुआ है तो पुराना किलाने के किला के बारे में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए सबसे पहली बार कहाँ पर है न्यू डेली के अंदर में है और कहीं ना कहीं यहाँ पर डेली का एक काफ़ी पुराना किला माना जाता है ये जो कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है ठीक है इस पुराने किला में आज के समय पर एक सिटाडल बना हुआ है ठीक है जो सिटाडल का कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुआ था हुमायूं के समय पर और इसको पूरा किया था शेरशाह शाह शूरी ने ठीक है थीके? अब ये सिटाडल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एक सेकेंड रुक जाओ ये आप देख पा रहे हो सपोज़ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल एक किले का ये किला है और इस किले में आपने देखा होगा कि जो दीवारें हैं साइड से थोड़ी सी नुकीली साइड से निकली हुई हैं बेस्टन्स जिसको बोला जाता है ठीक है इस प्रकार का यहाँ पर आपको ये सिटाडल देखने को मिल जाता है इस वाले किले में ठीक है जैसे यहाँ पर बेस्टन्स हम इसको भी बोल दें जो बाहर निकला हुआ है ठीक है ये आप लोग कह सकते हो तो ये जो चीज़ें हैं वो बनानी बनवाई गई थी ठीक है ये जो सिटाडल है पुराने किला के अंदर में इसका कंस्ट्रक्शन हुमायूं के समय पर स्टार्ट हुआ था और इसको शेरशाह सूरी ने पूरा किया था अगर हम पुराने किले का आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये नज़र आएगा इसका जो लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में पुराना पुराना जो किला है वो फैला हुआ है उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस किले के जैसे यहाँ पर इसमें तीन गेट हैं और तीनों गेट क्या डिस्प्ले करते हैं हिंदू और मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दोनों आर्किटेक्चर को मिक्स करके यहाँ पर वो जो गेट्स है वो बनाए गए हैं ठीक है बड़ा दरवाज़ा है बिग गेट हुमायूं गेट है उसके बाद में तलक के गेट यानी तीन गेट्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं जितने भी गेट्स बनाए गए वो डबल स्टोरीड आपको देखने को मिलेंगे डबल स्टोरीड का मतलब है इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे ये है और दूसरा यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है ठीक है दो हैं एक ये है एक ये है तो इस प्रकार वाले जो गेट हैं वो ज़्यादातर आपको यहाँ पे नजर आएंगे प्लस बेस्टर्नस बनाए गए बेस्टर्नस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जैसे यहाँ पर किला होता है ना इसमें आप देख पाओगे कि ये बेस्टन जो हैं वो बने हुए हैं एक तरीके से किले को प्रोटेक्शन देने के लिए जैसे कि ये बेस्टन से क्या होगा ना आप चारों तरफ यहाँ पे फायर कर सकते हो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर तो पर बता रहा हूँ कई सारे यहाँ पर मतलब कि जब कई सारी आपने स्टोरीज़ पढ़ी होंगी तो बेस्टन्स का ऐसा यूज़ किया जाता था फायरिंग करने के लिए कि अगर ये स्ट्रेट दीवार होती तो आप यहाँ पर केवल एक जगह पर ही फायरिंग कर सकते थे कोई यहाँ पे होगा तो फायरिंग नहीं कर सकते थे लेकिन यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से होगा तो आप चारों तरफ पे फायरिंग कर सकोगे इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से, से भी तो कहीं ना कि केले के प्रोडक्शन के लिए इस प्रकार की जो चीज़ें वो बनाई जाती थी समझ गए आगे आते हैं अब यहाँ पे देखो बात की जा रही है गोंडगी शॉल के बारे में तो ये गोंगड़ी शॉल क्या है इसको समझेंगे गोंगड़ी शॉल हुआ क्या है कि हाल ही में जो तेलंगाना के वूलन गोंगड़ी शॉल है ना इसको वापस से रीफेशन किया जाए और कहीं ना कि यहाँ पर इसको फार्मर्स के शूज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन अहमदाबाद के थ्रू इस वजह से यहाँ पर जो एक घोँगड़ी शॉल है वो न्यूज़ में निकल कर आया है तो काफ़ी एक अलग सा यूनिक सा टॉपिक है हो सकता है कई सारे लोग पढ़ें कई सारे लोग ना पढ़ें लेकिन पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन सके तो गोंगड़ी को हम लोग कंबल के नाम से भी जानते हैं यानी कि एक ब्लैंकेट था ये पुराने ज़माने में यहाँ पर एक ब्लैंकेट के नाम से जाना जाता था और इसको जो यहाँ पर जो जडिजीनियस कम्युनिटी है हमारी कुरुमा वो कुरा कम्युनिटी यहाँ पर इसको हमारे देश की ही जो शीप हुआ करती जो भीड़े हुआ करती थी उसी ब्रीड से जो वूल निकलता था जो ऊन निकलता था उस ऊन से ये ब्लैंकेट बनाया करते थे ठीक है और ये ब्लैंकेट कहीं ना कहीं तेलंगाना के अंदर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता था एक बहुत फेमस ब्लैंकेट था और एक बार यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी को भी ये ब्लैंकेट दिया गया था ये उनको क्यों दिया गया था ताकि जो खतरनाक विंटर से जो सर्दियाँ होती हैं खतरनाक वाली बॉर्डर पर उन सर्दियों से वो लड़ सकें ठीक है तो ये गोंगड़ी शॉल गोंगड़ी ब्लैंकेट ये आपको समझ में आया अब इसके कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो ये गोंगड़ी है ना ये कहीं ना कहीं इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर को दर्शाता है हमारे डेकन रीजन में जो सदर्न रीजन की बात करें स्पेशली तो उसका एक प्राइड है वहीं पर एक इंडिजीनियस कम्युनिटी थी जिन्होंने यहाँ पर इसको एक पहचान दी इस गोंगड़ी शॉल को बहुत सस्ते दाम में यहाँ पर इस प्रकार के ब्लैंकेट मिलते हैं और वो ब्लैंकेट बहुत ड्यूरेबल होते हैं ड्यूरेबल मतलब बहुत मजबूत होते हैं लंबे समय तक यहाँ पर चलेंगे बहुत टिकाऊ होते हैं सस्ते भी होते हैं ठीक है और कह सकते हो तो दस या साल से ज़्यादा चल सकते हैं आराम से आप उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है बस समय के साथ में थोड़े डार्क हो जाते हैं कलर उनका थोड़ा गाढ़ा हो जाता है लेकिन कलर उड़ता नहीं है ये ख़ास बात है और जो हमारे कुरमा वाली कम्युनिटी है वही यहाँ पर इसको तैयार करती हैं और उनका कहना यह है कि जो गोंगड़ी होता है ना ये जो ऊन निकल कर आता है ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि आप इससे एक बुल को एक जो कह सकते हैं ना बैल जो होता है एकदम बड़े साइज़ का जो बैल है उसको बांध के आप उठा सकते हो ज़मीन से लेकिन वो कभी टूटेगा नहीं तो ये यहाँ पर इसकी कह सकते हो स्ट्रेंथ है ठीक है तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है गोंगड़ी चौल को लेकर कि कहाँ का ट्रेडिशनल वुलन बैंकेट है तो तेलंगाना ध्यान रखना कौन सी कम्युनिटी के थ्रू यहाँ पर इसको एक मान्यता दी गई है तो यहाँ पर कुरुमा कम्युनिटी है वो भी आपने ध्यान में रखना है आगे आता है तो इससे रिसेंटली यहाँ पर शूज़ बनाने के बारे में चर्चा की गई है फार्मर्स के लिए इस वजह से यह न्यूज़ में है अगले आर्टिकल में बोला जा रहा है ट्वेंटी सेकेंड सबमिट ऑफ एस काउंसिल ऑफ हेड्स अब हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंस किया है कि जो इंडिया है वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एनुअल समििट जो साल की पूरी समिट होने वाली है वो चार जुलाई दो में करने वाला है चार जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समिट होगी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस वजह से न्यूज़ में है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वर्चुअल फॉर्मेट के माध्यम से होगी जितने भी इसके मेंबर्स हैं ऐसे के जैसे चाइना रशिया कजस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान तजगिस्तान उज्बेकिस्तान इन सबको इस समिट में बुलाया गया है क्या इंडिया हिस्सा नहीं है भाई इंडिया इसको होस्ट कर रहा है इंडिया बात है हिस्सा है इंडिया यहाँ पर देखो मैंने बोला ना ये समिट को होस्ट करेगा भारत तो भारत भी इसका हिस्सा है भारत ने सभी देशों को इन्वाइट किया है इवन बे ईरान बेलारूस और मंगोलिया ये जो तीनों देश हैं इनको एज अ ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर इन्वाइट किया गया है इनको भी यहाँ पर बुलावा दिया गया है इस बार का जो थीम होने वाला है इस समिट का वो है टूवर्ड्स अ सिक्योर एस ठीक है यानी कि एक सिक्योर शांघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए अब सिक्योर का अपने आप में एक फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म है सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी इकोनॉमी ट्रेड कनेक्टिविटी यूनिटी रिस्पेक्ट फॉर सोमरीटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवमेंट यानी इन सारे टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन किया जाएगा अब की बार वाले 2023 के एस के समिट में इंडिया ने अपने कुछ नए पिलर्स बनाए हैं कोऑपरेशन को, को लेकर भारत कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर डिस्कशन करने वाला है इन सभी देशों के साथ में ठीक है अब वो जब मीटिंग होगी कब होगी चार जुलाई को तभी हमें इसके बारे में और डिटेलिंग्स पता चलेंगी बट अभी यहाँ पे क्या करना है शांई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपने पता होनी चाहिए ये जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक समिट के दौरान फाउंड किया गया था शांघाई में साल 2001 में ठीक है और जो रशिया है चाइना है किर्गिस्तान है कजकस्तान है ताजिकिस्तान है उजबेकिस्तान है ये कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी स्टार्टिंग में पहले इसको शांघाई फाइव के नाम से जानते थे लेकिन 2001 में उजबेकिस्तान ऐड हो गया इसमें तो इसको शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगे फिर 2017 में इसमें इंडिया पाकिस्तान ऐड हो गए तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए मेंबर्स इसके आठ मेंबर्स हो गए पांच ऊपर ठीक है सॉरी छः ऊपर मेंबर्स हो गए और दो यहाँ पर हो गए सात आठ इंडिया और पाकिस्तान ठीक है तो इसके टोटल आपको एट मेम्बर्स देखने को मिल जाएंगे इनकी दो परमानेंट बॉडीज़ हैं इनका एक सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में दूसरा यहाँ पर इनका एक, एक एंटी टेरिस स्ट्रक्चर भी है वो वाशकेंत में आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा शांई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं चाइनीज़ और रशियन यहाँ पर दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी देखने को मिल जाती हैं तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं नाउ देखते हैं कितने अच्छे से आपने चीज़ों को सुना है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को मेक्श और sure करना सारे क्वेश्चन सही लगाओ लास्ट में आपको आंसर्स दूंगा आप रीमैच करना और देखना कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं पहला क्वेश्चन बात करता है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 2023 ट्वेंटी थ्री एफ डब्ल्यू थर्टीन दैट वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एफ डब्ल्यू थर्टीन हाल ही में न्यूज़ में है हाल ही में न्यूज़ में था बेसिकली ये क्या है क्या ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है क्या ये एक क्वासी मून है क्या ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है या फिर एक सरफेस टू एयर मिसाइल है तो बताओ यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्टोल्पस्टीन स्टोल्परस्टीन रिसेंटली इन द न्यूज़ जो स्टोलपस्टीन है वो हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है ये क्या है क्या ये एक वायरल डिजीज है ऑप्शन बी क्या ये होलोकास्ट मेमोरियल है ऑप्शन सी क्या ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है या फिर ऑप्शन डी क्या ये एक मॉलवेयर है तो बताओ यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर भी सिंपल सा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कांगेर वैली नेशनल पार्क रिसेंटली न्यूज़ में था ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए गुजरात बी मध्य प्रदेश सी छत्तीसगढ़ या फिर डी कर्नाटका न अगला क्वेश्चन पुराना किला को लेकर है पुराना किला को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट पुराना किला एक सबसे पुराना किला देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली के अंदर में बहुत सारे पुराने किले हैं ना उनमें से एक लौता ये भी है पुराना किला जो कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है दूसरा स्टेटमेंट जो आज के समय पर पुराना किला में सिटाडल बना हुआ है ना इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो औरंगजेब के समय पर स्टार्ट हुई थी तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन ए वन ओनली बी टू ओनली सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन बात करता है गोंगड़ी शॉल गोंगड़ी शॉल जो है एक ट्रेडिशनल वॉलन ब्लैंकेट है ठीक है उनका ब्लैंकेट है लेकिन ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है आपने बताना है कौन से राज्य से यहाँ पर इसको एक पहचान मिली है ऑप्शन ए हरियाणा बी वेस्ट बंगाल सी गुजरात या फिर डी तेलंगाना तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सही, सही सही से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा नाउ स्टार्ट करते हैं सभी के आंसर्स को चेक करना लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे और आप लोग मैच करना कितने सही हैं कितने गलत हैं तो यहाँ पे पूछा गया था गोंगड़ी शॉल ये एक ट्रेडिशनल वुलन बैंकिट है कौन से राजस्व से बिलोंग करता है तो ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना से यहाँ पर ये बिलोंग करता है उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुराना किला को लेकर कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो हमारे बहुत सारे पुराने फोर्ट्स हैं पुराने किले हैं उनमें से एक किला ये भी है जो कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस पुराने किला में जो सिटार्डल है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो औरंगजेब के समय पर स्टार्ट नहीं हुई थी तो किसके समय पर स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट हुई थी हुमायूं के समय पर और कंप्लीट हुई थी शेरशाह सूरी के समय पर पढ़ाया था उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंगेर वाली नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टोल को लेकर कि स्टोलपस्टीन हाल ही में न्यूज़ में यह क्या है तो एक प्रकार का ये होलोकॉस्ट मेमोरियल है एक जो यहाँ पर नाजी प्रोजिक्यूशन हुआ था उसके अंदर जो विक्टिम्स है उनको याद करने के लिए उनको ऑनर देने के लिए यहाँ पे कुछ जो स्टोन्स हैं वो तैयार करे गए हैं जिनको स्टोलपस्टीन का नाम दिया गया है तो एक होलोकॉस्ट मेमोरियल है फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 2023 FW13 हाल ही में न्यूज़ में या क्या है तो ये एक प्रकार का क्वासीमुन है तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं एक मज़ा आ चुका है और कितने क्वेश्चन सही किए हैं क्या स्कोर आया आपका नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना और कम स्कोर आया तो कोई बात नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है कल फिर आप से आपसे वीडियो में मिलेंगे पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना इससे धीरे धीरे आपकी कंसनट्रेशन पावर प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज के लिए बाय बाय हैव नाइस डे थैंक यू एंड जय हिंद